हेलो फ्रेंड्स, अगर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग के पास तो बैंक खाता जरूर होता होगा और आप एटीएम से पैसे भी निकालते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक आपके जेब से कितना रुपया वसूलता है और एक्स्ट्रा जो GST ला के आपको कितना अपने जेब से और देना पड़ता है एक्स्ट्रा। सो इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताऊँगा कि अगर आपका ATM ट्रांजेक्शन फेल हो गया तो आपको कितने पैसे यहाँ पर लगेंगे। मान लीजिए आप लोग तो यहाँ पे ATM यूज करते होंगे और आप लोग पैसे निकालते होंगे, लेकिन जब आप पैसे निकालते हैं तो आपका इनसफिशियंट बैलेंस होने के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और उस चीज़ में जो है आपका जो ATM से है वो आपका पैसे कट जाते हैं। एक उदाहरण पे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपका अकाउंट में 3000 रुपया है और आपने 3500 रुपये डाल के अपने ATM से पैसे निकाले और आपका जो है वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो आपको इस वक्त में आपका जो यहाँ पे चार्ज हो लगेगा 20 से 25 रुपया आपका बैंक चार्ज काट लेगा और GST अलग से लगेगा वो अलग। इसलिए ये नियम जो है आपको दिसंबर 2020 से लागू हो चुका है। इसलिए अलग अलग बैंकों का जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कितना किसका पेनाल्टी है। अगर आप SBI के ग्राहक हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा चार्ज। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक जो SBI है वो अपने ग्राहक को पर्याप्त बैलेंस नहीं होने के चलते ATM ट्रांजैक्शन जो है होने पर 20 रुपया का पेनाल्टी देता है। इसके अलावा GST जो है वो आपको अलग से लेगी। अगर आप HDFC बैंक हैं या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, येस बैंक और ICICI बैंक में आपका अकाउंट है तो आपको यहाँ पे 25 रुपया का पेनाल्टी लगेगा अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है ATM से, और GST आपका अलग से लगेगा। अब हम आपको बताते हैं फाइन से आप किस तरह से यहाँ पे बच सकते हैं। अगर आपको यह याद नहीं कि अकाउंट में कितने पैसे हैं तो आप ATM जाने से पहले चेक जरूर कर लें। ज़्यादातर बैंक SMS और कॉल के जरिए अकाउंट बैलेंस चेक करने की सुविधा आपको देती है। आप इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर UPI ऐप से आप चेक कर सकते हैं या फिर जो आपका जो मोबाइल जो नंबर रजिस्टर है बैंक में उस पर मिस कॉल देके भी आप अपना जो है बैलेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अन्य बैंकों के ATM में बैलेंस चेक करने पर भी चार्ज लगता है। मान लीजिए आप यहाँ पे दूसरे बैंकों के ATM में आपको बैलेंस चेक करने पर भी चार्ज देना पड़ सकता है। ज़्यादातर बैंक दूसरे बैंकों के ग्राहक को 5 से 8 ट्रांजेक्शन की सुविधा फ्री में देते हैं। इनमें नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यानी कि बैलेंस चेक करना भी शामिल है। अगर आपने इस सुविधा का इस्तेमाल कर लिया है तो दूसरे बैंक के ATM में बैलेंस चेक भी नहीं करें। तय सीमा के बाद नॉन फाइनेंशियल ATM इस्तेमाल पर SBI 8 रुपये वसूलता है। इस पर GST भी आपको अलग से लगता है। मान लीजिए आप अपने ATM में ट्रांजेक्शन आपने यूज कर लिया 5 बार और 5 से 8 बार आपका दिया हुआ आप ये इस्तेमाल कर लिया और फिर आप मान लीजिए ट्रांजेक्शन चेक करने जाते हैं अपने अकाउंट में ATM में, अगर वो ट्रांजेक्शन भी आप चेक करें तो वहाँ पे आपको पेनाल्टी यहाँ पे आपको लगने वाला है। सो इस तरह से आप कभी भी अपने ATM से पैसे निकालने जाएं तो अपने बैलेंस को पहले आप चेक कर लें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं और आपको कितने पैसे निकालने हैं, अन्यथा आपको पेनाल्टी यहाँ पे हमेशा लगते ही रहेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करते हुएगा, चैनल को सब्सक्राइब या दोस्तों में शेयर करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका सहायता करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।